नाजरीन अस्सलामु अलैकुम आदाब। इनकिशाफ के ताज़ा शुमारे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर राजा मुजफ्फर भट्ट। जैसा कि आपको पता है कि पिछले बहुत सारे एपिसोड्स में मैंने सेंट्रल के बहुत सारे लॉज जिनको एक्सटेंड किया गया जम्मू कश्मीर के अंदर आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, उस हवाले से मैंने इस प्रोग्राम के जरिए से एक तो अवेयरनेस करने की कोशिश की, उसके अलावा मैंने उन प्रोग्राम्स में उन एपिसोड्स में बहुत सारी चीज़ों का इंकशाफ किया जहां पे इन सेंट्रल लॉज की इम्प्लीमेंटेशन और उनकी एनफोर्समेंट ज़मीनी सतह पे नहीं हो रही है। मैंने राइट टू एजुकेशन की बात की, मैंने राइट टू इंफॉर्मेशन की बात की पहले भी, मैंने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की बात की, मैंने लैंड एक्विजिशन रिहैबिलिटेशन एंड रिसेटलमेंट की बात की, मैंने फॉरेस्ट राइट की बात की, मैंने उसके अलावा बहुत सारे लॉज की बात की। आज जिस कानून की हम बात करेंगे जिसको आर्टिकल 370 के बाद जम्मू कश्मीर में लागू किया गया, आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद, वो कानून है प्रिवेंशन ऑफ SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट 1989। मैं खाली इस कानून की अवेयरनेस नहीं करूंगा, मैं दिखाऊंगा और जो आवाम है आज मैं इंकिशाफ करूंगा किस तरीके से अभी भी हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर किस तरीके से हमारे जो शेड्यूल ट्राइब या शेड्यूल कास्ट की कम्युनिटी है किस तरह से उनके साथ अभी भी भेदभाव किया जाता है। इवन ऑफिशियल सतह जो हमारे सीनियर ऑफिसर्स एडमिनिस्ट्रेशन में है किस तरीके से वो शेड्यूल ट्राइब जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ कैसे बुरा सलूक कर रहे हैं, इवन उनकी पिटाई कर, आज मैं इसी का इंकशाफ करने जा रहा हूँ। बात है गुरेज फेस्टिवल की। गुरेज फेस्टिवल 3 सितंबर को मुनक्कद किया गया। टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बांडीपोरा इसमें पूरी इन्वॉल्व थी और उन्होंने एक हुक्मनामा जारी किया डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बांडीपोरा की तरफ से, आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। उसमें बिल्कुल जो है अलग अलग एक ऑर्डर मतलब जारी किया गया, उसमें अलग अलग जो सीटिंग अरेंजमेंट्स के लिए कौन जिम्मेदार है, सीटिंग अरेंजमेंट VIPs के लिए, सीटिंग अरेंजमेंट पब्लिक के लिए, गेट पे कौन इंचार्ज है, इसमें उन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स, सीनियर लेक्चरर्स को जिम्मेदारियां दी। एक लेक्चरर साहब वहां पे हैं बिलाल अहमद मागरी, इनको बोला गया कि आप मेन गेट पे ड्यूटी देंगे। वहां पे ये जो बिलाल अहमद मागरे हैं ये वहां पे लेक्चरर हैं बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल दावर में, जो गुरेज की वहां पे मेन टाउन है, गुरेज का जैसे कैपिटल बोल सकते हैं इसको हम। उसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर हैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज गुरेज में, उनको बोला गया कि आप सीटिंग अरेंजमेंट देखेंगे VIP का। सीनियर लेक्चरर और जो वहां और एक है सीटिंग अरेंजमेंट VIP का देखेंगे, और एक असिस्टेंट प्रोफेसर है सीटिंग अरेंजमेंट, सीटिंग एंड रेगुलेशन ऑफ पब्लिक, वो देखेंगे उनको। और ओवरऑल इसकी जो जिम्मेदारी दी गई थी एक नायब तहसीलदार को, ये जो लेक्चरर साहिबान है इनको ये रास नहीं आए, इनको लगा कि उनके साथ ह्यूमिलेशन हुई है। असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर, सीनियर लेक्चरर्स को वहां पे जो है सीटिंग अरेंजमेंट के लिए रखा गया, और इस लेक्चरर को यहाँ पे बिलाल अहमद मागरे को रखा गया मेन गेट पे। उनको लगा कि जैसे मैं यहाँ पे कोई गेट कीपर हूं वहां पे, उनको ये बहुत ही बुरा लगा। और उन्होंने जो है गवर्नर्स ग्रीवेंस सेल में, LG's ग्रीवेंस सेल में कंप्लेंट की। आप अपने स्क्रीन पे वो कंप्लेंट देख रहे हैं LG's ग्रीवेंस सेल। बिलाल साहब ने कंप्लेंट की, जो ये लेक्चरर है वहां पे हायर सेकेंडरी स्कूल है दावर में, उन्होंने इसमें ग्रीवेंस की कि जो SDM है या DC जो बांडीपोरा के है, उन्होंने मुझको ऐसे ऐसे ड्यूटी पे लगाया, प्रोटोकॉल फॉलो नहीं हो रहा है, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, जो भी है उन्होंने उसमें जो ग्रीवेंस किया। ये उन्होंने उसी दिन, ये उन्होंने जो ग्रीवेंस की थी 3 तारीख के ही आसपास की थी, और उसके बाद जो है 6 तारीख को बिलाल साहब को, जो लेक्चरर है, उनको SDM साहब अपने ऑफिस में बुला दिया। मैं कोई अपनी बात नहीं कह रहा हूं, मैं वही बात कह रहा हूं जो मेरे पास डॉक्यूमेंटल एविडेंसेस हैं, जो भी मैं बात कर रहा हूं मैं सब जो शवाहिद और सबूत की बुनियाद पे कर रहा हूँ। पहले तो मैंने ऑर्डर दिखाया आपको उनकी ड्यूटी कैसे लगाई गई थी, फिर मैंने गवर्नर्स ग्रीवेंस सेल की वो आपको दिखाई, अब उनको बुलाया गया, उनको कोई मुलाजिम आया SDM ऑफिस से, उनको बुलाया गया वहां पे कि आपको SDM साहब बुला रहे हैं। SDM साहब के जब ऑफिस में गए, बिलाल अहमद का मानना है, बिलाल अहमद ने रिकॉर्डेड स्टेटमेंट दिया है,
इनफैक्ट उन्होंने कंप्लेंट भी की बाद में, और उनकी जो वीडियो है आप देख सकते हैं, उनकी वीडियो देख लीजिए आप, बिलाल क्या बोल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं बिलाल अहमद मागरे, इस वक्त मैं पोस्टेड हूँ गर्ल हायर सेकेंडरी स्कूल दावर, लेक्चरर के हिसाब से काम कर रहा हूँ। मैं वहाँ कॉमर्स पढ़ाता हूँ। रिसेंटली आपको मालूम है ग्रेस फेस्टिवल मुनक़द हुआ 3 सितंबर 2022 को, उसमें मेरी ड्यूटी गेट पे लगाई गई थी, तो मुझे वो ड्यूटी ह्यूमिलेशन लगी क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से क्लियरली मैंशन नहीं था कि मुझे गेट में बैठकर कौन सी ड्यूटी करनी है, तो ह्यूमिलेशन लगी, इसलिए मैंने ग्रीवेंस जे एंड के गवर्नर्स ग्रीवेंस सेल में अपनी ग्रीवेंस डाल दी थी। वो ग्रीवेंस फॉरवर्ड होकर के हमारे SDM साहब के पास पहुंच गई थी, डॉक्टर मुदसरवानी के पास। उन्होंने ग्रीवेंस को रिड्रेस करने के बजाय मुझे मैन हैंडल किया, मेरे साथ गाली गलौज की, और उसके बाद में कंसर्न पुलिस स्टेशन में गया हॉस्पिटल का रिपोर्ट लेकर के कि कंसर्न जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है डॉक्टर मुदसरवानी, उसके खिलाफ FIR दर्ज की जाए। वहाँ कुछ नहीं हुआ, उसके बाद मैंने एप्लीकेशन दे दी SP ऑफिस बांडीपोरा में, वहाँ से भी कोई रिप्लाई नहीं आया कि FIR लॉज हुआ है या नहीं हुआ है। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी कोई क्लैरिटी नहीं है कि कमेटी बनाई गई है, रिपोर्ट बनाई गई है या नहीं बनाई गई है, अभी तक मेरे पास कोई नहीं आया। सिटल में जस्टिस का वेट कर रहा हूँ। और आपको ये भी मालूम है कि कश्मीर में आर्टिकल 370 एब्रोगेट हुआ है, सारे सेंट्रल लॉज एप्लीकेबल है, SC ST एट्रोसिटीज एक्ट भी एप्लीकेबल है, क्योंकि मैं ST से बिलोंग कर रहा हूँ, शायद इसलिए मुझे मैन हैंडल किया गया एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की तरफ से। तो अभी तक मैं जस्टिस का वेट कर रहा हूँ, मुझे जस्टिस नहीं मिल रहा है। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि मुझे जस्टिस जल्द से जल्द मिल जाए। तो आपने ये वीडियो देखा, बिलाल को बुलाया गया, SDM साहब ने अपने मुलाजमीन जो भी वहाँ पे थे, कोई पियान था कोई क्लर्क था, उनको निकाला बाहर, दरवाज़ा अंदर से बंद किया, गाली गलौज की बिलाल के साथ, बिलाल का यही कहना है, और उनकी पिटाई की वहां पे। उससे जो है इनकी टांग जख्मी हो गई, बिलाल वहां से डायरेक्टली गए सीधे गवर्नमेंट सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गुरेज के अंदर। आपके स्क्रीन पे जो हॉस्पिटल का जो हॉस्पिटल कार्ड होता है वो देख सकते हैं आप, आउट पेशेंट कार्ड, OPD कार्ड, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गुरेज, OPD कार्ड नंबर 15257 बिलाल अहमद मागरे, 31 मेल, दावर के रहने वाले हैं ये। तो ये वहां पे जाते हैं, उसमें लिखा है कि एलिजिबली बीटन बाय समबडी विद स्टिक एट 12, रेफर टू हॉस्पिटल एट 12:15 विद इंपैक्ट ओवर लेफ्ट थाई एरिया, ये इसमें लिखा है। ऑन एग्जामिनेशन OE जो होता है, ऑन एग्जामिनेशन देयर इज लीनियर ब्रूज ओवर लेफ्ट पोर्शन, लेफ्ट पोजिशन थाई एरिया विद नो अदर इंजरी, वहां पे ब्रूजेज हैं, वहां पे जो है प्लॉट जैसा हो गया है, वहां ब्रूजेस हैं, जख्म है वहां पे। इनका एक्सरे किया गया वहां पे, वो अपनी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं उसी टाइम पे, क्योंकि मैं जो भी बात कर रहा हूं बिल्कुल सीक्वेंस में कर रहा हूं, पहले क्या हुआ फिर क्या हुआ फिर क्या हुआ, SDM के ऑफिस में पिटाई हुई, बिलाल बोल रहे हैं, अपने वीडियो में देखा आपने, उनने बोला, वहां से हॉस्पिटल गए, ये हॉस्पिटल की टिकट आपके पास है, उस पर लिखा है कि रेफर टू हॉस्पिटल 12:15 PM, ऑन एग्जामिनेशन देर इज लीनियर ब्रूज, वहां पे लिखा है ओवर लेफ्ट पोर्शन ऑफ थाई, एक्सरे का वीडियो आप देख रहे हैं, अब वहां पे इनका एक्सरे किया गया, बिल्कुल एक्सरे टेबल पे बैठे हैं, आप देख सकते हैं अपने वीडियो में देख रहे हैं आप, इनकी टांग जख्मी है। उसके बाद ये जाते हैं जी पुलिस स्टेशन गुरेज, एप्लीकेशन आप देख रहे हैं, द स्टेशन हाउस ऑफिसर पुलिस स्टेशन गुरेज रिक्वेस्ट टू लॉन्च एन FIR अगेंस्ट SDM गुरेज, ये सबमिशन करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि ये आप SDM गुरेज के खिलाफ FIR लॉन्च कीजिए, क्योंकि उन्होंने इनकी पिटाई की, उन्होंने इनके साथ ज्यादती की, उन्होंने बदसलूकी की, गालियां दी। SHO साहब जो है वहां पे FIR नहीं करते हैं, क्योंकि वो सीनियर ऑफिसर है, कैसे करें इनको लगा के। उसके बाद बिलाल जो है तकरीबन जो SDPO हैं, सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर हैं गुरेज के, उनके पास एप्लीकेशन फाइल करते हैं ये, सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर गुरेज डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा J&K, कंप्लेंट अगेंस्ट सब डिविजनल मजिस्ट्रेट SDM गुरेज। ये बिल्कुल इस पे साफ साफ लिखते हैं कि बिलाल बोल रहा है कि मैं एक शीना कम्युनिटी से हूँ, मैं शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी से आता हूँ, और मेरे साथ ये ज्यादती हुई है आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद, SC ST एट्रोसिटी प्रिवेंशन ऑफ SC ST एट्रोसिटीज एक्ट जम्मू कश्मीर में लागू किया गया, बट उसके बाद भी जो है
उनके साथ जातियां हो रही, जो शेड्यूल ट्राइब की कम्युनिटी है, एसटी कम्युनिटी है, उनके साथ जाति हो रही है और उन्होंने वहां पे ये कंप्लेंट फाइल की। अगर आप एससी एसटी प्रिवेंशन ऑफ जो मेन प्रोविजंस है ऑफ प्रिवेंशन ऑफ एससी एसटी एट्रोसिटीज एक्ट देखेंगे, एंड एक्ट टू प्रिवेंट द कमीशन ऑफ ऑफेंसेस ऑफ एट्रोसिटीज अगेंस्ट द मेंबर्स ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब टू प्रोवाइड फॉर स्पेशल कोर्ट्स फॉर ट्रायल ऑफ सच ऑफेंसेस and for relief and rehabilitation of victims of such offenses and for matters connected therewith or incidental thereto. Schedule ka, schedule tribe ki prevention ke liye ye banaya gaya hai, taaki unke saath zyadtiyan na ho. Section 3 jo is kanun ka hai, 3-1 jo iska hai, subsection 1, section 3, subsection 1, intentionally insults or intimidates with intent to humiliate a member of scheduled caste or scheduled tribe in any place within public view, agar wo karenge ye matlab ye point bhi isme aata hai ki agar unhone ye kiya inke khilaf karwai hogi to bilkul saaf saaf general offences mein IPC ki section lag sakti hai isme, aur special offences mein ye jo kanoon hai SC ST atrocities act is kanoon ke under special courts yahan pe qaim karne the, qaim nahi hue hai. और सेक्शन 4 जो है इस एक्ट का साफ साफ लिखा आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे, पनिशमेंट फॉर नेगलेक्ट ऑफ ड्यूटीज हूएवर बीइंग अ पब्लिक सर्वेंट बट नॉट बीइंग अ मेंबर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब विलफुली नेगलेक्ट्स हिज ड्यूटीज टू बी परफॉर्म बाय हिम अंडर दिस एक्ट शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 6 months बट विच मे बी एक्सटेंडेड टू 1 year. अगर कोई ऑफिशियल जिनके पास कंप्लेंट की जाएगी या कुछ और, अगर वो अपनी ड्यूटी नहीं करेंगे इसमें और वो शेड्यूल ट्राइब या शेड्यूल कास्ट नहीं होंगे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है. बिलाल के केस में न तो अभी तक FIR हुआ है न इसके खिलाफ कार्रवाई हुई है. अब बताइए, अगर बिलाल वहां पे गया है, दरवाजा लॉक किया है, फिर इसकी पिटाई हुई है, फिर जख्मी हो गया है, ये हॉस्पिटल के टिकट्स हैं, ये कंप्लेंट है, उसने कंप्लेंट भी किया, रिटर्न कंप्लेंट भी किया, सब कुछ किया है इसने, पर अभी तक जो है बिलाल को इंसाफ नहीं मिल रहा है. इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट एससी एसटी एट्रोसिटीज एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ एससी एसटी एट्रोसिटीज एक्ट को जम्मू कश्मीर में लागू किया गया है, इसके बावजूद भी जो हमारे एससी एसटी जो कम्युनिटी यहां पे है, जो हमारी शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी, चाहे गुजर बकरवाल हो, शीना कम्युनिटी हो और कोई हो, उनके साथ अभी भी ज्यादतियां हो रही है और सरकार इसका नोटिस नहीं ले रही है. मैं चाहूंगा कि सरकार को इसका नोटिस लेना चाहिए. अगले इनकशाफ तक देखते रहिए कश्मीर ऑब्जर्वर. खुदा हाफिज़.